हमारा फ्रिज है सैमसंग का, तो इसके अंदर इशू ये था कि प्रॉपर ऊपर तो कूलिंग कर रहा था पर नीचे बिल्कुल भी कूलिंग नहीं थी इसके अंदर। तो हमने इसको जब खोल के प्रॉपर चेक किया तो इसके अंदर फॉल्ट मिला पर है, ये डिफेक्टिव है। उसके अंदर क्या डिफेक्टिव मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो इसकी फ्लैप आप देख रहे हैं ये बंद पड़ी है, ये ओपन नहीं हो रहा, और डंपर हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अभी मैं डंपर इसका ऑर्डर कर लेता हूँ या डंपर रिप्लेस कर देते हैं इसका। ये अपना डंपर है, ये ओल्ड वाला लेके जा रहा हूँ, ये रिप्लेस होगा। हमने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है, कल ला के इसको फिटिंग करना है इसकी। हमने अब इसके अंदर दूसरे वाले की फिटिंग कर दी है, नया वाला पुराना वाला ये बड़ा हमारा, हम इसको इसके अंदर फिटिंग कर देंगे, दिन इसको फिटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं ये अपना सेट हो गया है परफेक्ट नया वाला, और ये यहाँ से ओपन भी है। इसको सेट कर देंगे इस हिसाब से, ये टेम्परेचर कूलिंग देगा और बंद करेगा। ये हमने फ्रिज का अपना थर्मोस डंपर रिप्लेस करके इसको लगा रखा था टेम्परेचर सेंसर को। आप देख सकते हैं कि नीचे टेम्परेचर डाउन जाना शुरू हो चुका है। ये हमने अभी डायरेक्ट होल पे लगाया है बिकॉज हमें चेक करना था कि नीचे एयर आ रही है या नहीं आ रही है। नीचे एयर आ रही है, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर में रख के इसको चेक कर लेते हैं टेम्परेचर सेंसर को कि हम देख सकते हैं वैकेंसी कि जो सैमसंग का फ्रिज है ये 2008 मॉडल, जिसके अंदर हमने डंपर रिप्लेस किया है, नीचे कूलिंग नहीं आने का इशू था, अब कूलिंग आ रही है। ऊपर भी और नीचे भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 9 डिग्री का ऊपर हो चुका है। चलिए, वीडियो को अच्छा लगा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।